कई दफे इतनी हैरानी होती है कि जिन बातों को हम सुनने के आदि हो जाते हैं फिर उनसे भिन्न बात को हम सोचते भी नहीं। ताजमहल जैसी एक भी कब्र दुनिया में किसी ने नहीं बनाई, कब्र ऐसी बनाई ही नहीं जाती। ताजमहल अगर आपने देखा हो तो जमुना के उस पार कुछ दीवारें आपको उठी हुई दिखाई पड़ी होंगी। कहानी यह है कि शाहजहां ने मुमताज के लिए तो ताजमहल बनवाया और अपने लिए जैसा संगमरमर का ताजमहल ऐसी अपनी कब्र के लिए संग मूसा का काले पत्थर का महल वो जमुना के उस पार बना रहा है, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। ऐसी कथा सदा से प्रचलित थी, लेकिन अभी इतिहासकों ने खोज किए तो पता चला कि वो जो उस तरफ दीवारें उठी खड़ी हैं, वो किसी बनने वाले महल की दीवारें नहीं है, वो किसी बहुत बड़े महल की जो गिर चुका खंडहर है। पर उठती दीवारें और खंडहर एक से मालूम पड़ सकते हैं। एक नए मकान की दीवार उठ रही है, अधूरी है, मकान बना नहीं। हजारों साल बाद तय करना मुश्किल हो जाएगा कि नए मकान की बनती दीवार है या किसी बने बनाए मकान की जो गिर चुका उसकी बची खुची अवशेष खंडहर है। पिछले 300-400-500 सालों से यही समझा जाता था कि वो जो दूसरी तरफ महल खड़ा हुआ है वो शाहजहां बनवा रहा था, वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अभी जो खोजबीन हुई है उससे पता चलता है कि वो महल पूरा था, और न केवल ये पता चलता है कि वो महल पूरा था बल्कि ये भी पता चलता है कि ताजमहल शाहजहां ने खुद कभी नहीं बनवाया। वो भी हिंदुओं का बहुत पुराना महल है जिसको सिर्फ कन्वर्ट किया, जिसको सिर्फ थोड़ा सा फर्क किया। क्योंकि और कई दफे इतनी हैरानी होती है कि जिन बातों को हम सुनने के आदि हो जाते हैं फिर उनसे भिन्न बात को हम सोचते भी नहीं। ताजमहल जैसी एक भी कब्र दुनिया में किसी ने नहीं बनाई, कब्र ऐसी बनाई ही नहीं जाती। कब्र ऐसी बनाई ही नहीं जाती। ताजमहल के चारों तरफ सिपाहियों के खड़े होने के स्थान है, बंदूकें और तोपे लगाने के स्थान है। कब्रों की बंदूकें तोपे लगा के कोई रक्षा नहीं करनी पड़ती। वो महल है पुराना, उसको सिर्फ कन्वर्ट किया गया है कब्र में। वो दूसरी तरफ भी एक पुराना महल है जो गिर गया, जिसके खंडहर शेष रह गए हैं।